अपने 45 माह का बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर झमाड़ा कर्मियों ने गुरुवार को तेतुलमारी झमाड़ा कार्यालय के समक्ष अपने कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मियों का कहना था कि विभाग की लापरवाही के वजह से हम लोगों को कई माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तो कोरोना वायरस जैसे महामारी के चलते लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, वहीं दूसरी ओर झमाड़ा प्रबंधन हम लोगों को वेतन नहीं दे रही है, जिससे जीना मुहाल हो गया है। झमाड़ा कर्मियों ने कहा कि यह सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। स्थिति इतना खराब है कि राशन दुकान भी खरीद के खाना पड़ रहा, भूखे मरने का नौबत आ गया। मजबूर होकर कार्य का हम लोग बहिष्कार किए हैं। अच्छा। हम लोग हड़ताल नहीं किए, कार्य का बहिष्कार किए। कितने महीने की बकाया राशि है आप लोग का? पीछे का 42 माह का है। अच्छा। और जब एग्रीमेंट हुआ था तो सितंबर माह से प्रत्येक माह देने की जब बात हुई थी, उसके बाद अभी इधर आकर के एमडी के टाइम में 3 माह का बकाया हो गया, वो भी राशि उपलब्ध रहते हुए हम लोग का 31 करोड़ रुपया राज्य सरकार के पास है, बाजार फीस का, वेतन मद का और पानी का पैसा भी अभी है, तो राशि का उपलब्धता के बावजूद हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा। कहा कि प्रबंधन हम लोग को बकाया वेतन भुगतान शीघ्र करे, अन्यथा इलाके का जलापूर्ति अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने को बाध्य होंगे। आंदोलन का नेतृत्व असलम खान कर रहे थे। मौके पर जरी मातो, सुरेश चंद्र मंडल, प्रदीप दत्ता, छोटन हरी, मोहम्मद मुख्तार, अहमद हुसैन, सागर अंसारी, अयोध्या मातो, नंदलाल प्रसाद, रामचंद्र राम आदि मौजूद थे।